नमस्कार आप सभी को। आज मैं अपना फेसबुक का माध्यम से मैं ये छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो मैं पहले बता दूँ, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी कंसर्न अथॉरिटी के खिलाफ मैं बना रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरा छोटा सा जो ग्रीवेंसेस है रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना का जो स्कीम है उसका कुछ ग्रीवेंसेस है मेरा पास, तो उस ग्रीवेंसेस को ये वीडियो का माध्यम से मैं अपना फेसबुक का माध्यम से मैं प्लेस करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले तो मैं बहुत ही आभारी और धन्यवाद देता हूँ हमारे मोदी सरकार और स्टेट का यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उनके द्वारा से ये स्कीम को चला जा रहा है। ये स्कीम बहुत ही अच्छा स्कीम है, बहुत ही लाभदायक स्कीम है, हर एक को बेनिफिट मिल रहा है जहाँ तक मुझे पता है। और मैं ये भी विनती करता हूँ जिन्होंने एनरोल नहीं किया स्कीम पे के तहत आप लोग एनरोल कर लीजिए, ये बहुत ही बड़ा स्कीम है, बहुत ही अच्छा स्कीम है। तो आप सबसे विनती करता हूँ आप ज़रूर एनरोल कीजिए और ये स्कीम को लाभ उठाइए। तो कमिंग टू द पॉइंट रिगार्डिंग CMAY चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, जब ट्रिम्स नाहरलगुन से जो भी कैंसर पेशेंट्स को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में जब रेफर होता है तो उसका ट्रीटमेंट का जो रेफरल लेटर का जो सेंक्शन अमाउंट का जो वैलिडिटी रहता है वह ओनली 60 डेज वैलिडिटी रहता है। तो आज इसका विषय पर मैं थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे कि आप मान लीजिए कोई पेशेंट ट्रिम्स नाहरलगुन से टाटा हॉस्पिटल मेमोरियल में रिफ़र हुआ है ये स्कीम के तहत, तो उनका वैलिडिटी ओनली 60 डेज रहता है। तो ये 60 डेज जो है मेरा हिसाब से बहुत ही कम है, क्योंकि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ आने के बाद बहुत सारा ऐसे टेस्ट करना पड़ता है, बहुत ऐसे वेट करना पड़ता है डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही महीना लग जाता है। ब्लड रिपोर्ट आने में बहुत सारा टेस्ट होता है, पूरा री टेस्ट होता है यहाँ पे, तो एक महीना तो लग ही जाता है। और मान लीजिए कि किसी का ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन करना है, सबसे पहले तो ऑपरेशन से पहले तो ब्लड टेस्ट कराएगा ना, सब कुछ उसका बॉडी को इन्वेस्टिगेशन कराएगा ना, एग्जामिन कराने के बाद ही टेस्ट होगा। तो एग्जामिन कराते कराते तो एक महीना ख़त्म हो गया, तो उसको OT का टाइम आ गया। तो OT का टाइम आते आते OT के लिए भी जैसे कि 1-2 दिन सिर्फ लगता है ऐसे नहीं है, OT के लिए भी बहुत सारा अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, जैसे कि महीना महीना में भी किसी का तो होता ही नहीं। तो मान लीजिए कि 2 महीना तो ऐसे ख़त्म हो गया और सर्जरी मेजर सर्जरी होने से पहले, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे स्टेट का जो हेल्थ मिनिस्टर है आलो लिबांग सर और जो ट्रिम्स का जो चेयरमैन है रेफरल बोर्ड का, आप दोनों से विनती करता हूँ कि इस विषय पे बात करें, चर्चा करें, डिस्कस करें कि क्या करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि एक्सटेंशन मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सटेंशन करा देने से बहुत ही अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बार बार रिन्यू करना पड़ता है, बार बार रिन्यू के लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है। अभी तक तो किसी ने रिन्यू नहीं किया है, तो रिन्यू आ रहा है अभी, बहुत लोग का हमने सुना है, यहाँ का पेशेंट से हमने बात किया है, तो रिन्यू होने वाला है सबको, तो वो प्रोसेस में समय लग जाता है रिन्यू के लिए भी, इसे बहुत झंझट वाला काम है। तो ऐसे नहीं हो कि डायरेक्ट 6 मंथ्स का वैलिडिटी होना चाहिए। और आपको बता दूं कि जो भी कैंसर पेशेंट्स होता है जब रेफर होके यहाँ आता है तो वो मिनिमम 6 मंथ से लेके 1 साल तक का कोर्स होता है यहाँ में। तो 6 मंथ्स का 1 साल का कोर्स का अंदर में हम कितना बार कार्ड को रिन्यू करते रहेगा, क्योंकि कार्ड का वैलिडिटी जो है ओनली 2 मंथ्स का रहता है। तो 60 डेज का अंदर में हम, क्योंकि आप एग्जांपल भी ले लीजिए कि एक केमो, मान लीजिए केमो का मिनिमम 4 साइकल्स होता है, उसका जो गैप है एक केमो और दूसरा केमो का जो बीच का जो गैप रहता है वो 21 डेज है, तो 4 साइकिल में कितना महीना हो गया, मिनिमम 3-4 महीना जा रहा है। तो ऐसे के लिए भी तकलीफ होता है, क्योंकि हर एक चीज़ ये कार्ड से ही चलता है। तो और यहाँ में दो और एक यहाँ कंडीशन होता है, मान लीजिए कि
वैलिडिटी 60 days है, लेकिन कोई कोई ऐसे होता है, ऐसे भी हो सकता है कि पैसा ख़त्म हो जाता है लेकिन वैलिडिटी है। 2 months का वैलिडिटी, 60 days का वैलिडिटी है लेकिन पैसा किसी किसी ने यूज़ कर दिया, ख़त्म हो गया। और एक कंडीशन ये हो सकता है कि वैलिडिटी ख़त्म हो गया लेकिन पैसा यूज़ हुआ ही नहीं, आधा पैसा भी यूज़ नहीं हुआ है। तो ऐसे सारा कंडीशंस होता है यहाँ में। तो ये सब कंडीशंस को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 6 months का वैलिडिटी, जो कैंसर पेशेंट्स ट्रिम से जो रेफर होता है टाटा में, तो उनके लिए तो डायरेक्ट 6 months का वैलिडिटी दे देना चाहिए। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स का हम बात कर रहे हैं, बाकी का तो हमको मालूम नहीं है क्या क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग, हमको पता नहीं। तो मैं कैंसर, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बार बार रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू के लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे करना पड़ता है। तो इजी होने के लिए प्लीज़ आप लोग डिस्कस कीजिए, कंसर्न अथॉरिटी आप लोग डिस्कस कीजिए इस विषय के ऊपर, ताकि हम सबको तकलीफ़ ना हो, ताकि हम सबको किसी को ये तकलीफ़ फेस ना करना पड़े मेडिकल में। क्योंकि हम लोग को यहाँ में ऐसे होता है कि सिंगल अटेंडेंट होता है किसी के पेशेंट्स का, सिंगल सिंगल ही मैक्सिमम का सिंगल अटेंडेंट होता है, तो पेशेंट को देखेगा ना ये चीज़ का, हम मेडिकल में दुर्भाग करेगा, ऐसे हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको डिस्कस कीजिए, इस विषय को गंभीरता लीजिए, ताकि हम सबको फ़ायदा हो और आने वाला समय के लिए भी ये फ़ायदा हो। और हम दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि जो हमारे यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, उनके सरकार के द्वारा से जो यहाँ में महाराष्ट्र में जो कलंबोली बोलता है एक जगह का नाम है, वहाँ में गेस्ट हाउस अलॉट करके रखा है, गेस्ट हाउस अलॉटमेंट करके रखा है बहुत ही रिजनेबल रेट में, बहुत ही कम रेट में। और यहाँ में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, बहुत ही बहुत फैसिलिटीज़ है, वर्किंग स्टाफ है, सब कुछ है यहाँ में। साफ सफाई करने वाला अलग ही रहता है यहाँ में। एक NGO चला रहा है, एक दीपशिका असम बेस्ड NGO है, उनको दिया गया है इसको रन करने के लिए। तो उसके लिए भी बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ पीमा सरकार को, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है कैंसर पेशेंट्स के लिए, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा आपने कदम उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला कल में और अच्छा आप काम करेगा, स्टेट का डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। और आपसे और एक विनती करना चाहूँगा कि नवी मुंबई में जो हमारा अरुणाचल भवन है, बहुत ही खराब कंडीशन में है, हमने देखा है वहाँ में भी पेशेंट बैठा हुआ है, 3-4-5 रूम ऐसे कुछ है, 3rd फ्लोर ना कुछ ऐसे में है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक इंडिपेंडेंट, एक सेपरेट भवन बना देने से बहुत ही अच्छा होगा महाराष्ट्र में। जो जितना भी जो अरुणाचल के लोग जो आना जाना करता है महाराष्ट्र अपना बिजनेस पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, या पढ़ाई के लिए जो स्टूडेंट लोग आता है, उन सब के लिए भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी आपका सरकार स्टेबल सरकार है, हमारे मोदी जी का एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, एक BJP का बहुत ही अच्छा नारा है। तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, एक सेपरेट महाराष्ट्र में एक सेपरेट भवन बना दीजिए, अरुणाचल भवन। और हमने देखा है कि वहाँ आसपास में हर एक स्टेट का अलग अलग भवन है, पूरा बिल्डिंग ही अपना स्टेट का भवन है। नोटिस का भी ले सकते हैं, नागालैंड का भवन तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, असम भवन इतना ही बड़ा भवन है असम का, तो क्या बोलेगा। तो बाकी सब स्टेट्स का नोटिस, स्टेट्स का वहाँ में अपना अपना भवन, हम लोग अरुणाचल का ही वहाँ भवन नहीं है, वो छोटा सा 1 फ्लोर में है, वो भी आधा आधा जो प्रोजेक्ट का कोई कंपनी ले लिया बोलता है। तो सर आपसे मैं ये विनती करता हूँ, ज़रूर आप इस भवन को बनाने के लिए, सेपरेट इंडिपेंडेंट भवन बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका सरकार एक स्टेबल सरकार है, अच्छा सरकार है, आप वेलफेयर सरकार है, आप पब्लिक जनता के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला दिन में एक हम लोग का जो नवी मुंबई में एक अच्छा सेपरेट भवन बनेगा। और आज ये इस शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।